डांट पड़ेगी, यूं करके धीरे धीरे गाड़ी उतर रहे। शॉप पर जाएं क्या, अभी घर पर पड़ोगे? अभी आज एंटॉक जाने वाली है सर्विस के लिए, यूं एंटॉक चल। अब इसको करेंगे हम अनबॉक्स। पर कर रही है वो, देखो मजा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जस्ट मैं उठी हूँ और आज है 26 जनवरी। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। उठ गई हूँ तो ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा प्रिपेयर करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। ब्रेकफास्ट करने से पहले हम रोज़ बादाम खाते हैं, तो अभी मैं खा रही हूँ बादाम। क्या करने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है यार, और हैवी लग रहा है। तो बादाम तो हमने खा लिया, बस अभी हमारी कॉफ़ी का जो दूध है वो ठंडा हो रहा है, दूध पी लेते हैं। और आज खाने में बन रहा है गेरी भाजी और मक्की की रोटी। बहुत दिनों से चिकू की रिक्वायरमेंट थी, बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, तो आज बन रही है। ये मेरी कॉफ़ी और अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी। चिकू तुमको पीनी है क्या? ठीक है, तो कॉफ़ी पी लेते हैं और फिर आज नहा कर जाना है मंदिर, तो मंदिर जाएंगे आज। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब चलते हैं मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए चिकू आ गए हैं हमें मुझे लेने के लिए। तब के डांट पड़ेगी, यूं करके धीरे धीरे गाड़ी उतर रहे। अब चलते हैं मंदिर। अब जा रहे हैं शॉप पर। शॉप पर जाएं क्या, फिर घर पर छोड़ोगे? अभी तुमको कहाँ जाना? एक बार शॉप पर जाऊं भी सोच रही हूँ, फिर घर जाते हैं। शॉप पे कितनी देर का काम है? 2 मिनट। ज्योति को काम बता के आ जाऊंगी ना। माय होम न्यू कटलरी। क्या कर रहे हैं? टाइटल डाल रही हूँ, जो कल वीडियो आई थी ना उसका टाइटल डाल रही हूँ। कितने चली है चुको? 750। आज एंटॉक जाने वाली है सर्विस के लिए, क्योंकि एंटॉक चल चुकी है 750। तो अभी सर्विस सेंटर में कॉल किया था, वहाँ सर्विस हो जाएगी। अभी चिकू इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में देने के लिए और हम चलते हैं घर पे, खाने की सर्विस कर देते हैं अब। तो ले जाओ। हाँ ले जाओ। आज मैं खाने में बना रही हूँ गेरी भाजी और मक्की की रोटी। तो गेरी भाजी के लिए मैंने भाजी तो बना दी है, सिर्फ दही आना बाकी है, दही डालना बाकी है। बाकी तो भाजी मैंने प्रिपेयर कर दी है, थोड़ी सी उबल उबल के और गाढ़ी होगी और टेस्ट बनेगी। और जैसे दही आएगा तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। जग्गू भैया गए दही लेने के लिए और मक्की का आटा लेने के लिए, क्योंकि मक्की का आटा भी ख़त्म हो गया है इसलिए। तो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे न्यू कैमरे से। जैसे ही दही आता है वैसे हम फिर से किचन में चलेंगे। दही और मक्की का आटा। दही और मक्की का आटा आ गया है, तो दही एक बार डाल देते हैं भाजी के अंदर। ये पानी, ये मक्की का आटा, अब रोटी बन गई है।
मक्की की रोटी मुझसे प्रॉपरली बन नहीं रही थी तो मम्मी बनाएंगे यूं करके, पर मम्मी कर रहे हैं पूजा तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी पढ़ाई ही की जाए, तो बैठी बैठी थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी मेरे मेकअप के रिलेटेड। और अभी हमारा एक पार्सल आया है उसको करेंगे अनबॉक्स। अब चिकू क्या लेके आए क्या पता, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया नया लेके आते हैं, फिर मेरे को कहते हैं अनबॉक्स करो। अब इसको करेंगे हम अनबॉक्स। उल्टा खोल रही हूँ क्या? बॉटल्स। अभी क्या कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए हमको सैनिटाइजिंग बॉटल की ज़रूरत थी, तो चिकू ने हमारे लिए मंगवा दी है ऑनलाइन बॉटल्स। एंड एक रहेगी रोमा मेकअप स्टूडियो के लिए, एक रहेगी शॉप करो के लिए और एक रहेगी नौ पंचायत बजट के लिए। तो ये क्या चीज़ है? ये फ्री आया है। अच्छा, तुम्हारे बालों में करने? नहीं, इस टाइप का मैं नहीं यूज़ करूँगी, मगर तो जो मेरे शॉप पर है उसको भी मुझे तो चेंज करना है। अच्छा दो है? Yes. कॉलिन भर देने का इसमें। हाँ, कुछ भी भर सकते हैं। मम्मी पापा डब्बे संभाल रहे थे, इससे बढ़िया ये काम आ जाएंगे। ओके, तो इसमें अपन एक बार फर्स्ट भर के देखेंगे। ठीक है, पानी भर के देखते हैं। बड़ा है? अच्छा है। वो तो तुमने ही फोड़ा है मेरा पहले वाला तो। मार ऐसे से कर करके। इधर है पड़ा हुआ सैनिटाइजर। पानी भर दे। ला मेरे को करने दे। बाहर बाहर चलते। हाँ है सही, पर ये तो नीला देगा पूरा ये। बहुत ज्यादा ही आ रहा है। रिटर्न कर दूँ? नहीं, बहुत ज्यादा, ये तो पानी प्लांट्स के लिए हो गया ये। हाँ। बहुत ज्यादा वो है, नहीं काम कर। इतना धागे वाला सैनिटाइजर से ना लेगा? ना लेगा। ये प्रोडक्ट हमारे काम का थोड़ा कम आया है इसलिए इसको कर देंगे रिटर्न, क्योंकि सैनिटाइज करना है हमको, कस्टमर को निलाना नहीं है इसीलिए, क्योंकि इससे तो कस्टमर ना ही लेगा। अरे नहीं गया है चिकू, नके रोड लो रोई जाए है सब। चिकू ग्यो करी करी वो मिट्टू को मस्ती करनी, मस्ती करनी काटने आ रहा मुझे पक 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 पक। बदमाश। ओ वो इसको काट रहे मेरे वाले, मेरे चिकू को क्यों काटा यूं करके? मेरा चिकू, यूं बोल, मेरा चिकू। आज मक्की की रोटी ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया। मक्की का आटा अच्छा आया ही नहीं, तो रोटी भी अच्छी नहीं बन रही है। खा लेते हैं घेरी भाजी और मक्की की रोटी। खाना खा लिया है, अब चलते हैं शॉप पर। ये मेरे कुछ सूट्स हैं जो सिलवाने, आई होप आज टाइम मिले तो मैं जा पाऊँ। और चिकू उधर हिम्मी को खिला रहे, जाते हैं उधर। तो भगवान मास्क। चलो हिम्मी, क्या कर रही है तू?
मिट्टी खेल रही है। तो क्या कर रही है यहाँ पे? मिट्टी खेल रही है। ओ इन माते से ना की दिया ये। हिम्मी, ओ हिम्मी, तू कब से यहाँ बैठी है? चलो बंद की थी, बंद की थी। चलो जा रहे, चलो चलो। पीपी जा रहे, चौको दे रही हूँ, चलो चलो। चल चल। कहीं को दावी नहीं है। कब से यहीं बैठी है? और ऊपर ना क्या तो बाल बाकी है, मैंने ठीक है बाकी तो बाल में भर। माता भी ये भरी रही थी। कल तो भर रही थी। कहीं नहीं कर रही यार, थोड़ी कर दी बैठी जा रही। पर कर रही है वो, देखो मजा आ गया। ऊपर नहीं। अरे ये कैसे लंबे पैर करके ये बैठती है मिट्टी में। ओ हिम्मी बाय बाय। बाय बाय। आप खेलोगे यहाँ पे? यहाँ पे खेल रहे हो? खेल रहे हो यहाँ पे? क्यों खेल रहे हो? तो अभी आ गई हूँ मैं शॉप पर। शॉप पर यार भाई जी आ नहीं रहे हैं, तो साफ़ सफाई का काम भी करना है। और जो मैंने ऑफ़र कल के व्लॉग में बताया है वो कंटिन्यू है, तो मैं शॉप पर ही हूँ। आ जाओ और ऑफ़र का फ़ायदा लो। और बस यही, अभी चिकू मुझे यहाँ पे छोड़ने आए थे, मेरे ही कपड़े लेके आई हूँ जो मुझे सिलवाने के लिए डालने हैं। टाइम मिलेगा तो मैं निकलूँगी। अभी ज्योति गई है खाना खाने के लिए, थोड़ा बहुत काम है वो निपटाते हैं। जो ऑफ चल रहा है उस ब्रांड के बारे में बताती हूँ, और आपको पता भी चलेगा आपके पास क्या चीज़ें ख़त्म हो रही है क्या नहीं हो रही है। हो सकता है दिमाग में याद नहीं आ रहा हो कि ये चीज़ मेरे पास ख़त्म हो रही है। सबसे मस्त है हमारी गर्ल्स के लिए मेकअप में है वो काजल, और काजल और आईलाइनर की मैं आपको वैरायटीज़ बताती हूँ। शुगर के काजल की आपको एक बार मैं वैरायटी बताती हूँ। ये है स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कोह यानी काजल। ये है ब्लैकआउट वेलवेट यानी ब्लैक कलर की काजल है। ये है ब्राउन कलर की काजल जो कि आंखों को बहुत अच्छा दिखाती है। ये है ग्रीन कलर की काजल, और ये है ब्लू कलर की काजल। ये आ जाती है हमारी आईलाइनर, जो बिल्कुल हमको माइक्रो आईलाइनर ड्रॉ करनी होती है उसके लिए। और ये फिर से आ जाती है हमारी ब्लैक काजल, और ये अभी हमारे पास अवेलेबल है माई ग्लैम की काजल। ये इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और ये आती है हमारी लिक्विड आईलाइनर जो कि इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा बेस्ट है, मैंने मेरी मेकअप की वीडियो में भी बताया हुआ है। और इससे इतना पतला और थिन लाइनर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका जो अंदर जो नोक है वो एकदम हार्ड है, यानी एकदम ब्रश जैसा नहीं है कि हमको हमारा कहीं पर भी निकल जाएगा जो स्ट्रोक है वो, बट प्रॉपरली जिस जगह पर करना है वहीं पर होगा। फेस शीट मास्क से तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया ही है, और आपको पता ही है हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और व्लॉग्स में डा बताया है, व्लॉग जाके चेक करो आप, पता चल जाएगा कौन सा फेस शीट मास्क कौन सी स्किन के लिए है। और उन सभी पर अभी ऑफर चल रहा है, सो मस्ट बी ट्राई। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आज मेरे करना है फेशियल, तो मैं करवा देती हूँ मेरे फेशियल। और मुझे क्या फेस पर थोड़े एक्नेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज शीट मास्क भी लगाती हूँ, एंटी एक्ने वाला ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, ताकि थोड़ा बहुत जो फेस है वो सही हो जाए। अभी हुई हूँ सलून से फ्री, और फिर आगे भी कस्टमर थे तो आगे भी हैंडल किया, साथ ही साथ काम भी चल ही रहा है, और डबल काम हो गया है क्योंकि ना भाई जी आ रहे हैं ना हैप्पी भैया आ रहे हैं, तो भाई जी का भी काम करना रहता है, हैप्पी भैया का भी काम करना रहता है। और आगे कस्टमर को हैंडल ना करूँ तो पीछे रह जाए, पीछे ना करूँ तो आगे रह जाए, थोड़ा सा भागदौड़ ज़्यादा हो रही है। और अभी हो गई है 6:30 होने वाली है, तो बस अब चिकू को कॉल कर देती हूँ, चिकू भी आ जाएंगे इधर मंगल करके, फिर घर जाएंगे। घर पर जाकर कुछ आज अच्छा बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे वो घर जाके ही डिसाइड होगा। एलईडी को करवाने हैं और छोटे से बाल, और वो आ गए हैं तो अभी हेयर वॉश हो रहा है, तो हेयर वॉश जैसे ही होता है और छोटे बॉब कट करेंगे। और ये इधर हो रही है हेयर वॉश, हो रहे हैं हेयर वॉश। गर्म लग रहा है क्या? नहीं गर्म नहीं हो, चलिए इस सीट के लिए तू परफेक्ट। इतनी मोटी हो? नहीं मोटी नहीं, हाइट ज़्यादा है ना, कितने जनों को तू चढ़ चढ़ के बैठना पड़ता है। मेरे लिए चॉकलेट क्या है? कितनी देर लगेगी? 15 मिनट जाके आऊँ मैं।
बाय बाय। खत्म। बॉब कट हो चुके हैं हमारे, जो कि बिल्कुल शॉर्ट चाहिए थे हेली दीदी को। काम हो चुका है, अभी जा रही हूँ घर पे। अभी बज रही है 9 और थोड़ा सा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। अभी कितनी बज रही है, अभी 9:10 हो रही है, अब घर जा रही है। तो अभी हम फाइनली दुकान मंगल करके निकल रहे हैं और ये चिप्पू अभी गाड़ी मुड़ाएंगे। हैंटॉर्क हो सर्विस होके आ गई आज। आज तो एकदम मक्खन चल रही होगी, हालांकि मक्खन ही चलती है पर आज और मक्खन चल रही होगी। बैटरी क्या चेंज की क्या? नहीं बोले अभी तक, छूट भी किया है। डंडा भी गायब नहीं हुआ है, एक शील्ड लग रहा है भी दिया। हां शील्ड लग रहा है। शिमला मनाली में क्या हालत हो रही होगी? हां शिमला मनाली में क्या हालत हो रही होगी? हालत हो रही होगी, बहुत ठंडा है। खाना हमारा बन चुका है, घर आकर खा रहे हैं। अभी बज रही हैं लगभग 9:30 ऊपर, यानी 10 बजने आ गई है यूँ समझ लो। तो 10 बजे मैं खा रही हूँ खाना। आज का डे था काफ़ी बिजी, सो इसलिए मैं कर देती हूँ यहीं पर ब्लॉग का एंड, क्योंकि थक भी गई हूँ। खा के सो जाऊँगी सीधा किचन कर क्लीन करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय। मेरे हाथ ड्राई हो गए, मेरे हैंड क्रीम लगा दो। काफ़ी? अरे यार बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ वो 2-3 बार धुलने आ गए, हवा भी लगी ना वापस। रात को लगा के सोएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा।